हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं संदीप प्रोडा, हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाय संदीप प्रोडा में आपका स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। लॉकडाउन में घर पे अपनी तैयारी कर रहे हो, और जैसा कि आपको पता है कि हमारा लॉकडाउन भी आगे 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो 3 मई तक हमें घर पे ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। और तो सो आप घर पे बैठ के ही अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। तो बच्चों, एक टॉपिक की रिक्वायरमेंट आ रही थी हमारे पास। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि जी इस टॉपिक को आप समझाइए। तो वो टॉपिक था हमारा रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी जो सरकार है, स्टेट है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, आर्थिक विकास के अंदर क्या भूमिका निभा सकती है। यानी कि मतलब जो अलग विकसित देश होते हैं, यूडीसीज कंट्री होते हैं, वहां पर डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है, आर्थिक विकास करना है, तो गवर्नमेंट क्या क्या काम कर सकती है, गवर्नमेंट क्या क्या काम करके वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने का काम कर सकती है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो शुरू करते हैं वीडियो, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस टॉपिक के बारे में आज हम जानेंगे। तो बेसिक सा आपको पता है, यूडीसीज कंट्री, अलग विकसित जो देश होता है वो गरीब होता है। गरीबी हम कह सकते हैं, वहां पर जो लोग होते हैं उनमें से ऑलमोस्ट लोगों की जो इनकम है बहुत कम होती है। तो जो भी चेंजेस करने हैं उनमें चेंजेस, जिस प्रकार की एक्टिविटी है उन सभी प्रकार की एक्टिविटी में चेंज लाने का काम जो है वो गवर्नमेंट ही कर सकती है। और गवर्नमेंट ही उसको बढ़ाने के लिए तो तरीके अपना सकती है, अपनी एक्टिविटी में चेंज कर सकती है। बहुत सारी जो सोशल ओवरहेड कॉस्ट्स हैं, कैपिटल्स हैं, सामाजिक ऊपरी जो सुविधाएं हैं वो भी लोगों को गवर्नमेंट दे सकती हैं। बहुत सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा सकती है। या हम कह सकते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा मात्रा में करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट जब पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी तब ही बहुत सारे लोगों को फैसिलिटी मिलेगी और अल्टीमेटली वो अपने आप का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा कर पाएंगे। तो हम कह सकते हैं अल्टीमेटली कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है एक देश का विकास करने में, आर्थिक विकास को बढ़ाने में। तो हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से काम, कौन कौन सी एक्टिविटी गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है और उससे हमारे उस देश का विकास होता है। तो उस चीज के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बताया, कहता चेंजेस, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, चेंजेस इन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, यानी जो हमारे संस्थागत या संस्थानिक ढांचा है उसमें परिवर्तन करना है, तो वो कौन कर सकता है, एक गवर्नमेंट कर सकती है। क्योंकि संस्थानिक ढांचे में परिवर्तन करना और किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेथड है एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने का। बहुत बड़ा मेथड है कि उसका संस्थानिक जो ढांचा है वो बदला जाए, क्योंकि जो अलग विकसित देश है वहां पर जो ढांचा यूज है, जो भी तौर तरीके यूज किए जा रहे हैं वो ओल्ड फैशन्ड है, उनमें चेंज लाना जरूरी है अगर हमें एक देश का विकास करना है। जैसे इन्होंने बताया कि अलग विकसित देशों में लोगों की ना सामाजिक तथा जो सांस्कृतिक वृत्तियां होती हैं वो बहुत ओल्ड फैशन्ड होती है, उनमें परिवर्तन लाया जाए। यहां हम कह रहे हैं कि जो सोशल या कल्चरल या हम कह सकते हैं इकोनॉमिक, हर एक्टिविटी, हर प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो ओल्ड फैशन होती है वहां के लोगों की। तो अगर ये सारी चीजें चेंज नहीं होंगी तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि वहां के लोगों की ये जो परिवर्तियां हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक जो परिवर्तियां हैं उनको चेंज किया जाए, और इनको चेंज करने का काम गवर्नमेंट कर सकती है। कौन कर सकती है, गवर्नमेंट, क्योंकि इस प्रकार के ढांचे को चेंज करेगी तो ही वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कायम किया जा सकता है। जैसे हम बात करेंगे सोशल एविल्स बहुत सारी होती हैं अलग विकसित देश के अंदर, तो उसको दूर करना, यानी सामाजिक बुराइयां बहुत सारी हैं, अगर उनको दूर नहीं किया तो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। उसके अलावा कल्चरल
कल्चरल लेवल्स या सांस्कृतिक बहुत सारी ऐसे तौर तरीके या धार्मिक तरीके होते हैं जो लोग अपनाते हैं और उसकी वजह से भी वो देश आगे नहीं बढ़ पाता है। उसके अलावा इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करना भी जरूरी होता है। तो इन सारी चीजों को चेंज करने का काम गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये अच्छे ना होने की वजह से, ओल्ड फैशन होने की वजह से वहां पर निराशा रहती है, अशांति रहती है, हिंसा की प्रॉब्लम रहती है, लोग हिंसक होते हैं, बहुत सारे लोग लड़ाई झगड़े उनमें लिप्त रहते हैं। तो इन सारी चीजों को एक पीसफुल इन्वायरमेंट देना है और वहां पर उनकी निराशा को आशा में बदलना है, अशांति जो है उसको शांति में बदलना है। इन सारी चीजों को बिल्कुल पीसफुल इन्वायरमेंट वहां पर देंगे तो ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये सारा काम गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है। जब इस प्रकार का शांत वातावरण गवर्नमेंट के द्वारा रूल रेगुलेशन बनाकर वहां पर क्रिएट किया जाएगा तो अल्टीमेटली लोग आशावादी बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस शुरू होगी, सेविंग बढ़ेगी, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, हर फील्ड के अंदर चेंजेज आना शुरू होगा और तब ही हम एक देश का विकास कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को चेंज करने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है कौन? गवर्नमेंट। उससे एक देश क्या करता है? विकास करता है। क्लियर। उसके बाद कहता है ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। कहने का मतलब क्या है? जो संगठनात्मक परिवर्तन है वो भी करने होंगे एक सरकार को, क्योंकि अब संस्थागत परिवर्तन कर दिए, उसके साथ साथ संगठनात्मक परिवर्तन भी करने पड़ेंगे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस भी करने होंगे। और उसके माध्यम से ही हम सिंपल वे में कहें तो अगर संगठनात्मक चेंजेस होंगे तो तरीके जो उत्पादन को लेकर यूज किए जा रहे हैं उनको चेंज किया जाएगा, तब ही एक देश क्या कर सकता है? विकास कर सकता है। अब इसके अंदर आपको जाना है क्या किया जाए। अब संगठनात्मक परिवर्तन के अंदर क्या आएगा? मार्केट के साइज का विस्तार करना, श्रम शक्ति जो है, लेबर की जो पावर है उसको संगठित करना, या इस प्रकार के और कार्य जो प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं उनमें चेंजेस लाया जाए जिससे एक देश विकास की तरफ तत्पर होगा। तो वो कार्य कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। बात नहीं कर रहे हैं संगठनात्मक परिवर्तन की। तो संगठनात्मक परिवर्तन में क्या हो सकता है? एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट, सबसे पहला पॉइंट, एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट यानी बाजार का जो है ना विस्तार किया जाए। जो बाजार है अलविकसित देश के अंदर, जो मार्केट है उस मार्केट के साइज को बड़ा किया जाए, बाजार का विस्तार किया जाए। और ये काम कौन कर सकता है? केवल गवर्नमेंट ही कर सकती है। किसके द्वारा किया जा सकता है? गवर्नमेंट। क्योंकि मार्केट को साइज को बड़ा करने में सबसे जो बड़ा रोल अदा कर रहा है वो एक तो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। दूसरा है कम्युनिकेशन या हम कहते हैं संचार के साधन। एक तो यातायात के साधन और दूसरा है संचार के साधन। इनको चेंज करना बहुत जरूरी होता है और इनको चेंज केवल अलविकसित देश में गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। गवर्नमेंट के अलावा किसी में भी निजी उद्यम में या निजी सेक्टर में इतनी पावर नहीं होती है कि इनको चेंज कर सकें। और इनको चेंज कौन कर सकती है? गवर्नमेंट। जब इनको चेंज जो गवर्नमेंट कर देगी तो अल्टीमेटली जो हमारे निजी इन्वेस्टर्स हैं वो प्रमोट होंगे और निजी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा जिससे प्रोसेस शुरू होगी और एक देश विकास करेगा। क्योंकि हर फील्ड के अंदर ट्रांसपोर्ट और संचार की सुविधा की जरूरत पड़ती है, तो ये फैसिलिटी बढ़ाना भी गवर्नमेंट के हाथ में। और ये फैसिलिटी जब बढ़ जाएगी तब ही बहुत सारी फैसिलिटी निजी इन्वेस्टर्स को मिलेगी। दूसरा इसके अंदर क्या है कि एग्रीकल्चर दूसरा और इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाए, या गवर्नमेंट क्या करे दोनों सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर को वित्तीय सहायता देने के लिए फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस खोले, यानी जो वित्तीय संस्था है उसको खोले ताकि वो वित्तीय संस्था क्या करे एग्रीकल्चर की एक्टिविटी और इंडस्ट्री की एक्टिविटी के लिए फाइनेंस लोन प्रोवाइड करे और उससे उनको लोन मिले और वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश
कर सकें। इसके लिए वो खोल सकती है, राज्य सहकारी बैंक है, भूमि बंधक बैंक है, औद्योगिक बैंक है, वित्तीय तथा निवेश निगम है, ये सारे बैंक ब्रांचेज फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को खोलने का काम गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है, जिससे मार्केट का साइज क्या होगा, बड़ा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा और उधर से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई और डिमांड दोनों बढ़ते चले जाएंगे, जिससे मार्केट का साइज अपने आप बड़ा हो जाएगा और एक देश विकास करने लगेगा। क्लियर। उसके बाद सेकेंड इसका पॉइंट आता है, कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लेबर मार्केट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लेबर मार्केट, लेबर मार्केट। अब जो लेबर मार्केट है उसका भी संगठन किया जाए, उसका भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, जो श्रम बाजार है हमारा उसको भी संगठित किया जाए, क्योंकि श्रम बाजार के अंदर भी बहुत सारी त्रुटियां होती हैं विकसित देश के अंदर, और उस त्रुटियों की वजह से उसको संगठित करना जरूरी है। अगर उसको संगठित ना करेंगे वो त्रुटियां रहेंगे और त्रुटियों की वजह से प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते। तो गवर्नमेंट क्या करे, सबसे पहले लेबर की जो भी कार्य कुशलता है उसको बढ़ाने के लिए उसको लेबर मार्केट के अंदर संगठनात्मक परिवर्तन करने होंगे। अगर वो संगठनात्मक परिवर्तन वहां पर किए जाएंगे तो लेबर मार्केट के अंदर लेबर की प्रोडक्टिविटी, उसकी कार्य कुशलता को बढ़ाया जा सकता है। वो कैसे, काम करने के घंटे निश्चित कर दे, मजदूरी का जो भुगतान है किस तरीके से और कितनी मजदूरी दे उसको डिसाइड कर दिया, औद्योगिक झगड़ों को निपटा दिया, जो मजदूरों और मालिकों के बीच में झगड़े हो रहे हैं उनको निपटाने का काम, उससे रिलेटेड रूल रेगुलेशन बना दिए, उसके अलावा सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड करना, ये सारे कामों के लिए अधिनियम बनाए जाएं, रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएं, ताकि किसी प्रकार का शोषण ना तो श्रमिकों का हो ना मालिकों का हो। उससे क्या होगा, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ने से लागतों में भी कमी आएगी और अल्टीमेटली एक देश जो है वो क्या करेगा, विकास करेगा। दूसरा क्या होता है कि जो श्रमिक है वो ज्यादातर हम ये मानते हैं कि गांवों में पाए जाते हैं, तो गांव वाले श्रमिकों को शहर में आने के लिए, क्योंकि फैक्ट्रियां वगैरह शहर में है, वहां पर आने के लिए उनको प्रमोट किया जाए, और जब वो धीरे धीरे वहां पर आना शुरू होंगे, शहर में आएंगे, उनको काम मिलेगा। वो कैसे मिल सकता है, क्योंकि उनको टाइम टू टाइम सूचना दी जाए कि आपको शहर में ये काम मिल सकता है, रोजगार संबंधी जब उनको सूचना मिलेगी तो वो शहरों में जाएंगे, उनको उस चीज के बारे में पता चलेगा और शहर में प्लान करना वो शुरू करेंगे। अब ये एक बात और भी है, और जैसे ही श्रमिक पहुंचेंगे शहर में, फैक्ट्रियों में काम करेंगे, तो शहर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जैसे इन्होंने बताया है निवास की प्रॉब्लम, यानी वो रहेंगे कहाँ, जल संबंधी, बिजली संबंधी, गंदी बस्तियों का निर्माण हो जाएगा, परिवहन, ये जो सारी समस्याएं, इनका भी सॉल्यूशन सही ढंग से कौन कर सकता है, सरकार ही कर सकती है, और सरकार को इनका प्रबंध भी करना होगा। और इसी के साथ साथ भवन निर्माण, चिकित्सा, शिक्षा, पार्क, परिवहन, जल, बिजली, इन सारी सुविधाओं का भी इंतजाम कौन करेगा, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। और अल्टीमेटली जब सारी सुविधाएं मिलने लगेगी तो एक देश आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होगा। क्लियर हुआ। तो ये चेंजेस भी सरकार को करने होंगे, और अल्टीमेटली इसके साथ साथ और एग्रीकल्चर के लिए भी जो चीजों की जरूरत है, ये तो हमने बात कर ली इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी जिन चीजों की जरूरत है, ये नहीं कि सारे लोगों को गांवों से बुला लिया शहर की तरफ और एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत सारी फैसिलिटी का निर्माण गवर्नमेंट के द्वारा किया जाना चाहिए। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है आर्थिक और सामाजिक ऊपरी सुविधाएं, आर्थिक और सामाजिक ऊपरी सुविधाएं। एक देश के अंदर आर्थिक और सामाजिक ऊपरी सुविधा प्रदान करना, ये किसके अंडर में आता है, ऑलमोस्ट ये गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है। यानी एक देश के अंदर आर्थिक सुविधा लेकर आनी है, सामाजिक ऊपरी सुविधा को लेकर आना है, वहां पर इस प्रकार की फैसिलिटी देनी है। यानी कहने का मतलब कि जो सामाजिक और आर्थिक ऊपरी सुविधा है वो क्या क्या हो सकती है, जैसे इन्होंने बताया रेल मार्गों का निर्माण करना है, सड़क परिवहन है, दूर संचार है, गैस है, बिजली है या सिंचाई है, इन सभी प्रकार की सेवाओं को प्रदान करना, क्योंकि इनकी जरूरत सभी लोगों को होती है
और इनकी जरूरत को अपने हिसाब से वो पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी फैसिलिटी को कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, क्योंकि इनमें बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता है। तो इसीलिए इन सारी सुविधाओं का ज्यादा मात्रा में प्रोवाइड करना गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है। तो गवर्नमेंट इन सारी सुविधाओं को बढ़ाकर भी एक देश को विकास ऐसे एक देश का विकास बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। अब क्या होता है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ये नहीं कि सरकार के पास भी तो थोड़ा सा बजट की हम ये कह सकते हैं, क्योंकि उसके पास भी रेवेन्यू कहां से आती है, टैक्सेस से आती है। तो अल्टीमेटली सरकार को भी ये देखना है कि जो प्राइमरी काम है वो कौन से हो। अब इसके अंदर इन्होंने बताया है, जैसे हम कहें कि विकास की प्रोजेक्ट को शुरू करना है और सिंचाई सुविधाओं की जरूरत है। अब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना है और वहां पर सिंचाई की सुविधाएं देनी है। अब सिंचाई की जो सुविधाएं हैं वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अब उसको तत्काल उसी समय शुरू नहीं किया जा सकता। तो गवर्नमेंट को उस समय क्या करना चाहिए, छोटी जो भी प्रोजेक्ट है, छोटी नदियों पर कह सकते हैं या छोटा सिस्टम शुरू करके एक बार सिंचाई की सुविधाएं शुरू करनी चाहिए, ताकि जल्दी से किसानों को सिंचाई की सुविधाएं मिल सकें। अब एकदम से बांध बनाकर वो सिंचाई का सारा काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो प्राइमरी काम गवर्नमेंट को इस प्रकार देखने होंगे। और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट को हर सिस्टम के अंदर जहां पर जो फैसिलिटी हमारे लोगों के लिए जरूरी है, समाज कल्याण को बढ़ाती है, उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि वो फैसिलिटी जब हमारे लोगों को मिलेगी तो कंज्यूमर अपना कंजप्शन बढ़ाएगा, इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक देश के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस है वो बढ़ने लगेगी, प्रोडक्शन, इंप्लॉयमेंट, इनकम जनरेट होने लगेंगे और एक देश विकास की तरफ जाएगा। और साथ के साथ जो भी अदर फैसिलिटीज हैं, या हम कह सकते हैं जो ऐसी फैसिलिटीज जो एक प्रोडक्शन में या प्रोडक्शन की एक्टिविटी में सहयोग करती है, उन सभी एक्टिविटीज को गवर्नमेंट को हमारी जो भी लोग हैं उनको प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट को भी कंटिन्यू कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एजुकेशन, बहुत बड़ा पॉइंट है एजुकेशन, यानी जो सरकार है वो एजुकेशन को भी बढ़ाए। अब बेसिक सी बात है कि अगर ये माना जाए कि जो गवर्नमेंट है वो कोई भी काम ना करे एजुकेशन को लेकर, क्यों, अब ये बात भी कही जाती है कि जो अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, वो चाहे कितना भी काम कर लें, वो अपनी प्रोडक्टिविटी का काम नहीं कर सकते, अपने रिटर्न को नहीं बढ़ा सकते, अपनी इनकम को जनरेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट भी उनको मिलेगा, इनकम भी उनकी जनरेट होगी जो शिक्षित होंगे, जो एजुकेटेड होंगे। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट को एजुकेशन के ऊपर भी खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर खर्चा बहुत बड़ी मात्रा में होता है। ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को कोई प्राइवेट संस्था पूरा नहीं कर सकती, तो एजुकेशन के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर भी खर्चा कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। और एजुकेशन भी प्रॉपर ढंग से सभी लोगों के लिए अनिवार्य करेगी, तब जाकर लोग शिक्षित होंगे और वो एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाई जानी चाहिए। अब क्या कि कंटिन्यू अगर हम धीरे धीरे इस प्रकार का काम नहीं करेगी गवर्नमेंट, तो एक बहुत बड़ी दुविधा क्रिएट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए कि जो प्राइमरी लेवल से लेकर जो हायर एजुकेशन तक की शिक्षा को किस प्रकार शुरू करना है और उसके ऊपर कितना कितना खर्चा करना है, इन सारी चीजों का एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, एक बिल्कुल अच्छा सा पूरे अच्छे ढंग से मैनेज करना पड़ेगा, ताकि लोगों को उसमें रोजगार मिल सके। अब होता क्या इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल देखने वाली बात ये होगी कि क्या होता है कि जो कंपनियां हैं या जो रोजगार मिलना है वो भी एजुकेशन पर बेस्ड हो गया। आजकल बहुत सारी स्किल का होना जरूरी है लोगों के अंदर, अगर स्किल नहीं होगी तो उनको रोजगार नहीं मिलेगा। अब गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कौन सी स्किल उनमें इंप्रूव करनी है, क्योंकि जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो मशीनों को भी नहीं चला पाते हैं, तो कंपनियों में कौन सी मशीनें यूज की जा रही हैं और उन मशीनों को चलाने के लिए कौन सी स्किल की जरूरत है, उसी स्किल को इंप्रूव करने के ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएं, स्कूल कॉलेजों में उसी प्रकार की स्किल को इंप्रूव करने के बारे में उसका करिकुलम बनाया जाए, ताकि उस स्किल को इंप्रूव किया जा सके। टेक्निकल एजुकेशन शुरू की जाए, हायर एजुकेशन शुरू की जाए, अगर डॉक्टर की कमी है तो डॉक्टर के जो टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं या डॉक्टर के टेक्निकल कॉलेज हैं, डॉक्टर की पढ़ाई जो करवाते हैं वो खोले जाए,
टीचर्स की कमी है तो टीचर्स तैयार किए जाएं, टीचर्स वाली स्किल इंप्रूव की जाए, या जिन भी स्किल की हमारे देश के अंदर यूडीसीज कंट्री के अंदर कमी है उसी प्रकार की स्किल को इंप्रूव करने के एजुकेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाएं, ताकि वो लोग उस स्किल को सीखें और अपनी स्किल को इंप्रूव करके उन चीजों की कमी, उन एक्टिविटीज की कमी या उन एक्सपर्ट्स की कमी हमारे देश में है उस कमी को भी दूर किया जा सके। क्लियर हुआ? तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आता है पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। अब क्या होता है, पब्लिक हेल्थ के बारे में भी गवर्नमेंट को ध्यान में रखना होगा, फैमिली प्लानिंग को भी ध्यान में रखना होगा। अब होता क्या है कि लोगों का जो स्वास्थ्य है उसको ठीक रखना भी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, क्योंकि लोगों का हेल्थ अच्छा होगा तब ही वो हर काम को करने में दक्ष होंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। शिक्षा के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य को स्ट्रोंग करना भी बहुत जरूरी है और इसके ऊपर भी ध्यान कौन देगा? गवर्नमेंट देगा। अब गवर्नमेंट को यह देखना होगा कि लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव कौन डाल रहा है, और जिस वजह से गवर्नमेंट ये देखेगी कि जिस वजह से ये बुरा प्रभाव पड़ रहा है वो कौन सी वजह है। जैसे इन्होंने बताया, ये उनकी वजह जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, थमा हुआ जो गंदा पानी है वो हो सकती है, उसको हटाना चाहिए, गंदी बस्तियों के अंदर स्वच्छता लेकर आनी चाहिए, अच्छे मकानों का प्रबंध करना चाहिए, स्वच्छ जल की पूर्ति करनी चाहिए, मल प्रवाह की अच्छी सुविधाएं देनी चाहिए, छूत रोगों का नियंत्रण करना चाहिए। जो छूत रोग हैं जो एक दूसरे में फैलते जा रहे हैं, जैसे आजकल जो कोरोना चला हुआ है इसको भी कंट्रोल में करने के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत सारे प्रयास, बहुत सारे निर्देश लोगों के लिए जारी कर रही है, सेम उसी प्रकार छूत रोगों का नियंत्रण भी सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं दी जानी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध किया जाना चाहिए, और विशिष्ट रूप से जो मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए बहुत सारी फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा और इसी के साथ साथ परिवार नियोजन और उससे भी बढ़कर स्वास्थ्य और चिकित्सा वर्ग के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रेनिंग सेंटर, क्योंकि डॉक्टर्स की जरूरत है, या इन सारी चीजों को, सारी बुराइयों को, सारे गंदगी को दूर करने के लिए एक्सपर्ट चाहिए, तो उनको भी ट्रेनिंग देने का काम गवर्नमेंट के द्वारा किया जाना चाहिए। अब क्या होता है, अलविकसित देशों में कहता है जो लोक स्वास्थ्य है वो दो कारणों से मुख्य रूप धारण कर लेती है, दो रीजन हो सकते हैं लोक स्वास्थ्य को गंदा करने में, वो क्या रीजन हो सकते हैं, या जो लोक स्वास्थ्य को ठीक करना है वो ठीक करने के फायदे क्या हो सकते हैं, दो कारण ठीक करने के हो सकते हैं। प्रथम वे जो श्रम की उत्पादकता और दक्षता बढ़ाकर विकास की प्रक्रिया में सहायक होंगे। अगर गवर्नमेंट लोगों का स्वास्थ्य अच्छा करेगी तो पहली चीज उससे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, दक्षता बढ़ेगी और एक देश विकास की प्रक्रिया में जाएगा। सेकंड कहता है मृत्यु दर को घटाया जाए, और मृत्यु दर जब घटेगी धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि भी बढ़ेगी। अब जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगी तो ही अल्टीमेटली डिमांड जनरेट इकोनॉमी के अंदर एक सर्कल सा क्रिएट होगा, तो धीरे धीरे इन सारी चीजों के ऊपर भी कंट्रोल गवर्नमेंट को करना चाहिए, तब ही हम एक देश के अंदर सुधार कर सकते हैं, उस देश का विकास कर सकते हैं। उसके बाद आता है परिवार नियोजन। अब जनसंख्या यानी कि कंटिन्यू बढ़ते रहना है, उसको बढ़ते रहने देना है, अब फैमिली प्लानिंग जो है परिवार को नियोजित करने का काम भी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाना चाहिए, वो भी रूल रेगुलेशन बनाकर, ताकि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसको ठीक ढंग से कंट्रोल में रखा जाए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश भारत की जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, और पॉपुलेशन का बढ़ना हमारे लिए कह सकते हैं कि खतरा ही है, क्योंकि इतने रिसोर्सेज है नहीं और उनकी डिजायर को कैसे पूरा किया जाएगा, तो उनकी तरफ भी हमारी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। सबसे बड़ी बात, जितने भी यूडीसीज कंट्री होते हैं सारे के सारे, तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो कंट्री है यूडीसीज कंट्री वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होते हैं, लेकिन जो उनकी एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो हम कह सकते हैं कि लो स्टेज का होता है, उनकी प्रोडक्शन इतनी ज्यादा मात्रा का नहीं होता है।
अब उनके एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट को बहुत सारा प्रयास करना चाहिए। अब आपको पता है, इन्होंने बताया है, जैसे जैसे यूडीसीज कंट्री के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो गतिहीन होती है, जो हम कह सकते हैं जो एग्रीकल्चर है वो उसमें पुराने तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, प्रोडक्शन के जो तरीके हैं वो पुराने हैं, तो उनको भी चेंज करना है ताकि उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। अब इनके अंदर क्या था कि जो अलग विकसित देश है, जो यूडीसीज कंट्री है, वहां की जो पॉपुलेशन है 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। और देखिएगा 70% उस पे डिपेंड करती है, लेकिन वो नेशनल इनकम के अंदर यानी राष्ट्रीय आय के अंदर 50% से भी कम पार्ट एग्रीकल्चर का होता है। तो पॉपुलेशन तो 70% डिपेंड करती है, लेकिन नेशनल इनकम में 50% से भी कम पार्ट है एग्रीकल्चर का। तो ये बहुत बड़ी दुविधा है। क्यों है ऐसा? क्योंकि एग्रीकल्चर का सही रिटर्न हमारे किसानों को नहीं मिल पाता है, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर में बहुत सारी बुराइयां हैं, उन बुराइयों की वजह से भी सही रिटर्न नहीं मिल पाता है। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर हमारे देश की है, इंडिया की जो है या यूडीसीज कंट्री की जो है, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। वो क्या क्या प्रॉब्लम्स है कि जो यहाँ की जोतें हैं वो बिखरी हुई हैं, और उसकी वजह से छोटी छोटी जोतें हमारे देश के अंदर है। उसके अलावा पट्टा की जो व्यवस्था, भूमि पट्टा की व्यवस्था, उसमें भी बहुत सारा दोष है, बहुत सारी त्रुटियां उसके अंदर है। लगान जो है वो सही ढंग का डिसाइड नहीं होता है यहाँ। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि सिंचाई की जो सुविधाएं हैं वो भी अच्छी नहीं है। उसके अलावा वर्षा पर निर्भरता ज्यादा है, जो हमारे यहाँ के किसान हैं वो बारिश पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं और पुराने तौर तरीके अपनाए जाते हैं, और इस भूमि के ऊपर जनसंख्या का ज्यादा दबाव है। तो ये बहुत सारी कमियां त्रुटियां हैं जिसकी वजह से भूमि का जो रिटर्न है सही नहीं मिल पाता है, और उस वजह से नेशनल इनकम में हमारी एग्रीकल्चर का पार्ट बहुत कम होता जा रहा है। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ के जो किसान है वो निरक्षर है, यहाँ हम कह सकते हैं अशिक्षित है, अनपढ़ है, उस वजह से भी एग्रीकल्चर प्रमोट नहीं होती जा रही है, और इसीलिए उनमें चेंज करना है तो इन त्रुटियों को दूर करना होगा, हमारे किसानों को शिक्षित बनाना होगा, और ये सारा काम गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ही हमारी एग्रीकल्चर को डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। वो कैसे? प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। अब प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? अच्छे अच्छे तौर तरीके अपनाए जाएं, जो तरीके हैं वो पुराने हो गए हैं, अच्छे हाई टेक्नोलॉजी उनको दी जाए, और जो भी किसी भी प्रकार की फाइनेंस की प्रॉब्लम है किसानों को, तो उनको ज्यादा मात्रा में लोन प्रोवाइड किया जाए। उसके अलावा सिंचाई की जो सुविधाएं हैं उनका पूर्ण उपयोग उनको करने के लिए कहा जाए, उनको सिंचाई की सुविधाएं प्रोवाइड की जाए। नालियों की जो हालत है खेतों के अंदर वो खराब है, तो उनको ठीक करवाया जाए। और उसके साथ साथ फसलें जो है उनके उगाने का क्षेत्र बढ़ाया जाए, उनके क्षेत्र के अंदर वृद्धि की जाए। गांव में सुधरे बीजों को बढ़ाया जाए, सीड्स जो है वो हाई क्वालिटी के गांवों को दिए जाए। काश्तकारों का वितरण सही ढंग से किया जाए। उर्वरक यानी जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से किया जाना चाहिए। मिश्रित खाद और हरी खाद का वितरण करवाया जाए, उनके यूज के बारे में उनको बताया जाए, प्रोग्राम चलाए जाएं, और जो अच्छे तरीके हैं कृषि को लेकर उन तरीकों के बारे में उनको जागृत किया जाए। और इसके अलावा गांव में नए छोटे छोटे सिंचाई के प्रोग्राम भी चलाए जाएं ताकि सिंचाई की प्रॉब्लम भी ना रहे। फिर सब्जी तथा फलों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किस प्रकार का तरीके अपनाए जाए, उनका एक प्रोग्राम चलाया जाए। उसके अलावा अंडों, मछली तथा दूध इत्यादि का प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रोग्राम चलाया जाए। पशुपालन कैसे किया जाए, पशुपालनों के अंदर उसका जो दुग्ध उत्पादन है या जो भी चीजें हैं उनको कैसे सही ढंग से मैनेज किया जाए, उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाए। और इसके अलावा और भी बहुत सारे काम इस प्रकार के गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने चाहिए ताकि हमारी एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप हो सके। और ये सारा काम किसके द्वारा होगा? गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। जब गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को डेवलप करने में इस प्रकार का काम करेगी, अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी, तब ही एक यूडीसीज कंट्री अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकता है। उसके बाद आता है लैंड रिफॉर्म्स। उसके बाद क्या आता है? लैंड रिफॉर्म्स, यानी लैंड रिफॉर्म करे, भूमि सुधार किए जाए। अगर भूमि सुधार होगा तभी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारी भूमि है या हमारी जो एग्रीकल्चर है वो ट्रेडिशनल है,
गतिहीन बोल सकते हैं जिसको, या पारंपरिक बोल सकते हैं। हमारी जो कृषि है वो क्या है, पारंपरिक है, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, पुराने तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, और जो हमारे किसान है वो अनपढ़ है, उसके लिए प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा लैंड रिफॉर्म करना भी बहुत जरूरी है। अब लैंड रिफॉर्म्स करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें अलग प्रकार की कुछ त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को हमारी गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स के द्वारा दूर करने की कोशिश की है, तो इसीलिए लैंड रिफॉर्म भी किए जाए। वो त्रुटियां क्या क्या है, कहते हैं मध्यस्थों की समाप्ति की जाए। लैंड रिफॉर्म्स के जो तरीके हैं वो बता रहा हूं, मध्यस्थों को समाप्त किया जाए। मध्यस्थ कौन से होते हैं, जो अब जैसे जो किसान है उसका डायरेक्ट मंडी के साथ लिंक नहीं होता है, चाहे उनको इनपुट खरीदने हैं, कच्चा माल खरीदना है और तैयार माल को बेचना है, तो मंडी के नहीं है, उसके बीच में मध्यस्थ होते हैं, वही उनको कच्चा माल देते हैं और उन्हीं से तैयार माल वो खरीदते हैं, लेकिन उसके अंदर ठगी बाजारी का काम चलता है, मध्यस्थ के द्वारा किसान को लूटा जाता है, तो उस मध्यस्थों की समाप्ति कर देना सबसे बड़ा लैंड रिफॉर्म्स का काम होगा। फिर जो मुजारिये हैं, टीनेंट्स हैं, उनको पट्टे पर जो भूमि उन्होंने ले रखी है उनकी सुरक्षा करना है, लगान सही ढंग से निर्धारित करना है, उनको काश्तकार बनाना है, और जो काश्तकारी हैं, जो भूमि पर काम कर रहे हैं, भूमि पर फसल पैदा करने का काम कर रहे हैं, उनको भूमि खरीदने की पावर देना है, उनको भूमि की मलकियत देना है, या इसके अलावा हम कह सकते हैं जितने भी प्रकार के जो अधिकार हैं मुजारिये के, उन अधिकारों की सुरक्षा करना है, कृषि जोतों की सीमा को निर्धारित करना है, सीलिंग निर्धारित कर देना किसकी, कृषि जोतों की, जिससे जो छोटी जोते हैं वो बड़ी बन जाएंगी, चकबंदी कर देना है, उनको आपस में मिला देना है, ये सारे काम किसके अंदर आते हैं, लैंड रिफॉर्म्स के अंदर आते हैं। इन सारे कामों को लैंड रिफॉर्म्स के माध्यम से हमारी गवर्नमेंट करवा के हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कर सकती है। तो लैंड रिफॉर्म्स का काम भी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाना चाहिए। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका विकास किया जाना चाहिए। अब प्राकृतिक संसाधनों का विकास कैसे हो, अब प्राकृतिक संसाधनों का हमें पता है एक यूडिसिस कंट्री के अंदर एक ये जो प्राकृतिक संसाधन है या तो ये बिल्कुल ही विकसित नहीं है या अविकसित है, कम विकसित है या अविकसित है। क्यों है, क्योंकि जो यूडिसिस कंट्री है वो ज्यादातर उपनिवेश रही है, यानी गुलाम रही है किसी और डेवलप कंट्री का, और इस वजह से जिसका ये गुलाम रही है उन लोगों ने उस देश के अंदर प्राकृतिक संसाधनों का बहुत बड़ी मात्रा में दोहन किया है, अंधाधुंध यूज किया है, उन्होंने किसी प्रकार का कोई ये चीज सोची नहीं है कि इनका दोहन होता जा रहा है, इनका नुकसान होता जा रहा है, उनका बहुत ज्यादा मात्रा में दोहन किया है। और हमें पता है प्राकृतिक जो संसाधन है वो बहुत बड़ी मात्रा में एक देश का विकास करने में योगदान देते हैं, तो इसीलिए सरकार को चाहिए कि वो प्राकृतिक संसाधनों के लिए अच्छे रूल रेगुलेशन बनाए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी उसके लिए भी प्राकृतिक संसाधन बचे और अब भी उनका यूज लिमिटेड रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किया जाए, और जहां भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सही ढंग से मैनेज करने का काम गवर्नमेंट के द्वारा किया जाए, ताकि प्राकृतिक संसाधन एज इट इज बने रहें और उनका यूज भी हम करते रहें, ये खत्म ना हो जाए, क्योंकि इनको हम दोबारा से बना नहीं सकते, तो इनका यूज भी सही ढंग से करवाना किसका काम होगा, गवर्नमेंट का काम होगा। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास करना। अब हमें पता है जो औद्योगिक विकास है, उद्योगों का विकास करना बहुत जरूरी है एक देश के विकास के लिए। अल्पविकसित देश के अंदर एग्रीकल्चर की जाती है, लोग खेती करते हैं, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड होते हैं। अब जो खेती के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं यूज तो करवाना है, अगर उनकी डिमांड बढ़ेगी तो उनके प्राइसेस बढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली उनकी डिमांड को बढ़ाना जरूरी है। अब उसके लिए क्या की जाए, इंडस्ट्री लगाई जाए ज्यादा मात्रा में। जब इंडस्ट्री लगेगी, हाँ ये हो सकता है कि एक अलग विकसित देश जो है वो भारी उद्योग नहीं लगा सकता, बल्कि जो कंज्यूमर इंडस्ट्री है वो तो लगा सकता है, उपभोक्ता उद्योग तो लगाए जा सकते हैं, तो उपभोक्ता उद्योगों को लगाने का काम भी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर इंडस्ट्री लगाने के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा उन लोगों को ऋण प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो कंज्यूमर इंडस्ट्री लगाएं। लाइक जैसे हम कह सकते हैं इसके अंदर कपड़ा, चीनी उद्योग हो सकते हैं, ये उद्योग जब लगेंगे उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा और ये उद्योग एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है उसको यूज करेंगे,
तो इससे एग्रीकल्चर के आउटपुट की डिमांड बढ़ जाएगी और उनके प्राइस भी कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं। और ये उद्योग वही गुड्स बनाएंगे जो लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं उनको जरूरत है, तो उनकी जरूरत भी पूरी हो गई। तो धीरे धीरे इस प्रकार इसको हम कंप्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज भी बोल सकते हैं, पूरक उद्योग भी बोल सकते हैं, यानी पूरक उद्योगों की स्थापना करवाना भी किसका काम होगा, हमारी गवर्नमेंट का काम होगा। गवर्नमेंट जब इस प्रकार का काम करेगी तो धीरे धीरे एक देश के अंदर विकास हो सकता है। अब ये कि इंडस्ट्री जब लगाई जाएंगी तो वहां पर बहुत सारी सुविधाएं अपने आप क्रिएट हो सकती हैं। जैसे हमारे एक इकोनॉमिस्ट हैं लेवनस्टीन ने ये माना है, या हम कहते हैं लेवनस्टीन को छोड़िए, अनबैलेंस जो ग्रोथ है उसके अंदर ये माना गया है, जो हमारा अनबैलेंस ग्रोथ है, असंतुलित विकास है, वो कैसे होता है, कहते हैं एक सेक्टर में निवेश कर दो दूसरे में अपने आप ही हो जाएगा। अब एक सेक्टर में निवेश कर दिया यानी इंडस्ट्री में निवेश कर दिया तो एग्रीकल्चर अपने आप प्रमोट होने लगेगा, सर्विस सेक्टर अपने आप प्रमोट होने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर एक डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा। वो कहता है क्या कि एसओसी को बढ़ा दिया जाए डीपीए अपने आप बढ़ जाएगा, या डीपीए को बढ़ा दिया जाए एसओसी अपने आप बढ़ जाएगी। तो वही चीज यहां पर है कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट की जाए, उद्योगों का विकास किया जाए, और उद्योगों का जैसे ही विकास होगा बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, इनकम बढ़ेगी, फिर वो कंजप्शन करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से फिर प्रेरणा मिलेगी इन्वेस्टमेंट को बढ़ने की, और फिर प्रोडक्शन, इंप्लॉयमेंट, इनकम जनरेट होगी। तो धीरे धीरे औद्योगिक विकास का बहुत ज्यादा बेनिफिट एक यूडीसीज कंट्री को मिलेगा और वो देश विकास की तरफ अग्रसर होगा। क्लियर। उसके बाद आता है मॉनेटरी पॉलिसी। अब गवर्नमेंट क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का काम भी करती है। अब हमें पता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या आता है, या तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, या हम कहते हैं साख का विस्तार करना और संकुचन करना। और ये काम कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का काम एक देश का केंद्रीय बैंक करता है, और एक देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा साख का विस्तार और संकुचन, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम किया जाता है। अब इसके माध्यम से क्या हो सकता है, लोगों में बचत करने की प्रवृत्ति को प्रमोट किया जा सकता है, प्रोत्साहित किया जा सकता है, और जब बचत बढ़ेगी कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा, पूंजी निर्माण बढ़ेगा और एक देश का विकास होगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी भी ये काम कर सकती है, गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी सेविंग और सेविंग से कैपिटल फॉर्मेशन और फिर डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद आता है फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति। अब राजकोषीय नीति के अंदर गवर्नमेंट बहुत सारे कार्य कर सकती है और बहुत सारे कार्य करके एक देश का विकास करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। अब राजकोषीय नीति द्वारा सरकार जो है वो क्या करेगी, बचत, निवेश, पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाएगी और राष्ट्रीय आय और रोजगार में वृद्धि कर सकती है। बचत, निवेश और पूंजी निर्माण की दर बढ़ेगी, उससे राष्ट्रीय आय और रोजगार में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब इसके लिए क्या करेगी, सरकार उचित कर निर्धारित करेगी, बजट निर्धारित करेगी, सार्वजनिक व्यय है यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर को निर्धारित करेगी, उसके लिए पॉलिसीज बनाएगी। जब पब्लिक एक्सपेंडिचर टैक्स, पब्लिक बजट या पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड बढ़िया पॉलिसी बनेगी तो एक देश के अंदर बहुत सारी फैसिलिटी क्रिएट होगी, हर टैक्स की मात्रा को कम करेगा तो हर इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, और दूसरा बीओपी के अंदर जो डिसइक्विलिब्रियम है उसको इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी इसके बाद क्या हो सकता है कि विदेशी विनिमय की जो प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व किया जा सकता है फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से, या स्फीति को रोका जा सकता है, जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये काम करके भी गवर्नमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने का काम कर सकती है। उसके बाद आता है इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार में वृद्धि। अब विदेशी व्यापार हमें पता है कि एक हमारे इकोनॉमिस्ट है प्रोफेसर रॉबर्टसन ने तो यहां तक कहा है कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी विदेशी व्यापार है वो क्या है, आर्थिक विकास का इंजन है। अगर आर्थिक विकास को बढ़ाना है तो वो कौन बढ़ा सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, जो हमारे विदेशी व्यापार है वही क्या कर सकते हैं, आर्थिक विकास को बढ़ा सकते हैं। और हमें पता है विदेशी व्यापार को बढ़ाने का काम या विदेशी व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, उन सभी तरीकों को अच्छे ढंग से मैनेज कौन कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है। अब हमें पता है कि जो यूडीसीज कंट्री है वहां पर ऑलमोस्ट प्राइमरी गुड्स बनती हैं, और प्राइमरी गुड्स बनती हैं तो वो प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं,
और प्राइमरी गुड्स को जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वो प्राइमरी गुड्स तो सस्ती बिकती है फॉरेन मार्केट में, और महंगी क्या मिलती है जो हमें फॉरेन मार्केट से मंगवानी है, जिनका हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमें क्या मिलता है, महंगा मिलता है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उससे हमारे विदेशी व्यापार का हमारे देश को कोई फायदा या जुडिशियस कंट्री को कोई फायदा नहीं मिल पाता है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट प्रमोट इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए, यानी जो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रही हैं, निर्यात को प्रोत्साहित कर रही हैं, उन इंडस्ट्रीज को ज्यादा मात्रा में प्रमोट करना चाहिए, उनको ज्यादा मात्रा में फाइनेंस देना चाहिए, लोन देना चाहिए, ताकि वो ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करें और उसका एक्सपोर्ट किया जा सके। दूसरा उसके साथ साथ क्या किया जाए कि जो हमारे इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट बढ़ रहे हैं तो इम्पोर्ट को रोकने के लिए या टैरिफ वगैरह कोटा वगैरह का जो इस्तेमाल है वो, या इसका प्रतिबंध जो है इम्पोर्ट के ऊपर, प्रतिबंध कौन लगा सकती है, गवर्नमेंट लगा सकती है। तो इम्पोर्ट जब कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट हमारे बढ़ने लगेंगे, या इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट कर लिया जाए, जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं, जिन वस्तुओं का हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उन्हीं वस्तुओं को हमारे देश में बनाया जाना चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो हमारे इम्पोर्ट कम हो जाएंगे, दूसरा ऊपर से वही चीज हमारे देश के अंदर बनेगी, उससे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा और अल्टीमेटली एक देश क्या करेगा, विकास करेगा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने का काम गवर्नमेंट के पास होता है, तो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करे, इंपोर्ट को कम करने की कोशिश करे, एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करे, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर भी सरप्लस क्रिएट होगा, और बहुत बड़ी मात्रा में अगर टैरिफ लगेगा या इस प्रकार का काम होगा तो उससे टैक्स यानी रेवेन्यू भी हमारे देश की, हमारी सरकार की बढ़ेगी। और दूसरा, अच्छी हाई क्वालिटी की गुड्स हमारे देश में बनाने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि हमारे लोग विदेशी वस्तुओं को ना खरीदकर हमारी वस्तुओं को खरीदें और उससे हमारे इंपोर्ट क्या हो, कम हो। क्लियर हुआ? तो ये इन पॉइंट्स के बारे में जाना, जो काम करके गवर्नमेंट अपने देश का विकास कर सकती है। इसके अलावा सरकार क्या कर सकती है, बहुत अच्छा स्वच्छ प्रशासनिक वातावरण पैदा करके भी बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती है। निर्धन वर्ग को सामाजिक न्याय दिलवाकर भी एक देश का विकास कर सकती है। प्रदूषण को रोककर भी बहुत अच्छा काम कर सकती है। स्वच्छ जल की व्यवस्था करना है, बेरोजगारी को दूर करना है, इन्फ्लेशन को कम करना है, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन लेकर आना है, ये सारे काम करके भी गवर्नमेंट एक देश का आर्थिक विकास को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। तो बच्चों, ये हमने आज जाना कि एक गवर्नमेंट यूडिसिस कंट्री के अंदर, अलविकसित देश के अंदर आर्थिक विकास को बढ़ाने में इस प्रकार अपनी भूमिका निभाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। थैंक यू।